अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियल खुश आमदीद वेलकम कहने जनाब तुम अपनी गार्डनिंग अपने काम से उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक हो गए सारे राजी खुशी होंगे। लो दोस्तों अलहमदुल्ला अल्लाह के फजल न सोने रब की करम नवाजी अही तेरे सामने आते तुम्हें भी अल्लाह अल्लाह ने तेरे ते अपनी रहमत की होगी सारे राजी खुशी होवोगे। तो जे कोई मसाइल है नहीं छोटी मोटी अजमाइश है वह अल्लाह की तरफों है बीमारी सेहत अल्लाह की तरफों है सबर नाल तहमल नाल प्यार मुहब्बत नाल अपने रब की याद च रहना तो अल्लाह पाक सारे मामले ठीक करेगा। अज फिर असी पौद्या की गल करनी है, अज पौद्या करनी है, पौधे तो नहीं करनी पौद्या करनी है। तो बड़ी नयाब जी तो बड़ी प्यारी जी वीडियो थोड़े वास्ते लैके आए हैं। तो पौद्या के मतलब ये लैके आया कि यार तुम घर की लोकेशन साफ सुथरे घर के ना बड़े प्यारे मामला तुम कर सकते हो। वो असी तजर्बा किया पहला पता तो है से सू कि इंज होना तो इंज इंज होंगे ठीक है जिंदगी दाखल से वो गल पता सी पर जिमें प्रैक्टिकली नहीं करके विखा हों कि यार कोई कह रहे कि गली बात ही कर छद हकीकत होंगी नहीं हो ठीक है। जिस तरह के वेखते हो ना तुम कि केले का बूटा तो उन्होंने जनाब दुआने लाए होंगे ने नहीं वो नहीं काम करना कि केले के बूटे दुआने लाने ने तो गली पति फड़ के आऊ कर दुआने ला खड़े फोटो दो नंबर बना के दे दी नहीं अच्छी बात नहीं है वो कल खराब है कि या हम मरूदा के बूटे उत्ते अनाज ढंग दईए सेब ढंग दईए मरूदा के उत्ते एवं आखिए मरूद में एयर लेयरिंग हो जाती है जी प्यौंदकारी हो जाती है मरूद में प्यौंद सेब की ला लीए पुठा काम नहीं करना जरा कुदरत दे कानून दे मुनाफी काम है कुदरत दे कानून तू हट के काम है ना रब दे कानून तो वो नहीं अही करना क्योंकि मिलते जुलते पॉइंटा की मिलती जुलती गल होंगी है ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फड़ के जनाब केले के बूटे उत्ते अंब ला दो आखो अंब लगन गए जी केले अही आप प्यौंद लाइए अंबा की अंब सख्त जान टहनी का पौधा है केला जरा एक हसास जहा पौधा है वह पानी का भरया वा वो तो केले के अंब की प्यौंद लगनी नहीं तो अंब ने अंब चुक जाने एवं एक ड्रामेबाजी होंगी सब फेक तो झूठिया गलां ने मैं तो अपने तजर्बे नहीं जी कह भाई कोई साइंसदान जम पिया हो तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता वेख्या तो नहीं हले तक मेरे तजर्बे नहीं आई ठीक है। चलने अज असी एक नवी गल नवी खूबसूरत जिन्हें मालूम च है वो तो बेहतरीन गल है वो हाड़ी हाँ हम लाएंगे तो जिन्हें मालूम च नहीं उन्होंने करके विखाने एक अजीब जहा मामला अजीब जी प्लांटेशन करके विखाने पौद्या के मुतलक तो पौद्या के मुतलक करा असी तिना के गल ठीक है। अपनी गार्डनिंग दिया कैमरा मारो जी अलहमदुल्ला अपने काम दे तो जरा मेन तो टेबल के उत्ते पौधे रखे ने तुम लीगली तौर पर विखाने वास्ते मुतलक असं बाकी गल करनी साढ़े नाल रहना साढ़े चैनल में सबसक्राइब करना टली के बटन में दबा लेना ताकि आने वाली फिर कोई चंगी जी कोई नयाब जी अच्छी जी वीडियो तुम मिल जाए ठीक है जी। लो जी पौधे असं कट के बाहर लै लेने नर्सरी पहले ही साहबजादे ने रखे सन एक ऐ पौधा जी ठीक है। ये नाम तो पहला मुतारफ करवाने यू असी सैमी फाइकस कहने जी सैमी फाइकस। इस पौधे के प्रोग्राम की ने यह पौधा वह है जिद तू ग्रिलां बन दया ने पौद्या तो वेख ग्रिलां बन दया अं ग्रिल कहने ग्रिल ठीक है जी। जिस तरह के गोल दायरे के कम करके जाली बनाई जाती है हैं पौधे के उत्ते कशीदाकारी की जाती है बड़ा प्यारा किसी का चन्न बनाया किसी का कुछ बनाया किसी का कुछ बनाया। इस पौधे जिधर मर्जी मोड़ लो ऐ वेखो जिधर मर्जी मोड़ लो जिथे मर्जी ढाल लो जिथे मर्जी कर लो ठीक है। इन्हें टुटना टटना घट हों ठीक है जाया नहीं हों साढ़े को बारह के गमले च बनया वाह वड्डा सी प्या तो मेरे दिल ख्याल आया ये तुम्हें विखा दीजिए ठीक है जी। इस पौधे की वार भी लगती है घर के वार ला लो वार का काफ़ी जिदा मर्जी कर लो तुम अपने को बहुत वाडा तैयार होया तो तुम तो विखा रहे सर वार एडी भी कर सकते तुम यदि ला के या पौधे ही एडे एडे लाते हो छोटे छोटे तो वो एडी कवार कर लो वीडी कर लो जिते तुम कटनी है यह वार भी लग जाती है। यदा नाम सैमी फाइकस यदि ग्रिलिंग भी बनती है यानी कि तो शीदाकारी करता कारीगर ग्रिलिंग की भी गल कर इंशाला आने वाले वक्त लो जी एक ऐ पौधा ठीक है। यदा नाम नाखदाना है नाखदाना ठीक है जी।
ये अगे भी असं वीडियो पाइया ने साडे चैनल से जाओगे तो तुहानू इंशाला लभनगियां। ये नाखदाने का पौधा ये भी अपना हुसन आप रखता, इन फुल शुल कोई नहीं आते, सजावटी होंगे, सोहना होंगे पौधा, पत्तियां दे रंग बदलते रहते हैं मौसम के हिसाब नाल। इस टाइम ये जो कलर ने तुहाडे सामने ने ग्रीन ते वाइट ने, यानी कि सबज ते सफेद ने, छोटे गमले च लगा तो कितना खूबसूरत ते कितना प्यारा प्लांट है। ये जनाब वड्डे च भी थोड़ा जिहा ही ला सकते हैं, यह बहुता कद नहीं होता, एडा कद होता, ठीक है जी। ये भी असं गल कर ले, हुण एक ऐप पौधा साढ़े को, ठीक है दोस्तों। इस पौधे के मुतलक भी यही गल है कि यह फुलों वाला है, घंटी नुमा फुल लगते हैं, टले वगना फुल लगते हैं, इनू असी चैना रोज़ बोलने, चैना रोज़, ठीक है जी। चैना रोज़ का पौधा है तो टली वगना के सुरख रंग के फुल लगते हैं, घंटिया तरह के, ठीक है जी। ए भी अपने को पिया फुल लगे नहीं, पौधे फुलों वाले है सन तो वो व्डे सन जरा, तो मैं क्या कि छेडा वा चुक के खरना, जरा निके निके पौधे की गल करने, छोटे प्लांट की गल करने। ये साढ़े को 12 के गमले से लगा हुआ, ठीक है जी। यह साढ़े को 12 के गमले च लगे, इनू अं 12 का गमला ने, यानी कि एक फुट वाला, ठीक है। ये तीन पौधे ने, पौधे तो काफ़ी ने इस प्रोग्राम से गल करने वाले, पर असा तजर्बा जरा तुम्हें करके विखाया तो करांगे, तो इंशाल्लाह तुसी साढ़े नाल नाल रहना। तो अगली गल जी हुण असी करनी है कि इन्हां पौद्यां नूं असी वाटर प्लांट किया, इन्हां पौद्यां नूं वाटर प्लांट किया, जिहड़े वाटर प्लांट तो मुतारफ ने उन्होंने तो पता है, तो जो मुतारफ नहीं उन्होंने दस नहीं है कि वाटर प्लांट कहीं लेकिन, यानी कि पानी चला के इन्हों चला की कोशिश की थी। कोशिश की थी कि तेरे तजर्बे जो पहले है सी तो तुहाडे सामने हुण करके, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुहानू विखाने आ, साडे नाल नाल तुसी रहना, दोस्तों नाल शेयर करना। वीडियो आखिर तक वेखियो, बड़ी मज़ेदार तो बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो बनाई है। मैं अपने फैमिली मैंबरान की मदद न, अपने साहबजादे की मदद न, अपने बजुर्गों की मदद न, सारे दे देन लड़े कि यार ऐसी वीडियो भी देनी चाहिए है, ठीक है जी। हेलो दोस्तों, यह साढ़े को लड़ी है तो असं इतने साए थले ना इनू बन देता, अज तू 1.5 महीना पहला ना फड़ के ना बच्चों कह के तो यदिया कौंपलों जीडिया फड़ के टाणिया कट के कटन, तो 1.5 महीना वेखो ना गंदी हुई है बोतल, अंदरली साइड से जाला लगा हुआ, तो यह पौधे दी जड़ा निकलिया हुई हैं, ठीक है। ये तीनों ही प्लांट असं ये लाए, तीनों ही लाए, तो ये तकरीबन 40-45 दिन बाद अज असी इन्हें दिते आए हैं, तो जड़ा इन्ह दियाँ पक के तो नुमाया हो गई, ठीक है। ये हुण तुहानूं असीं कढ़ के ते इस बोतल च पा के जरा अच्छी वजाहत नाल विखाने आ, साढ़े नाल नाल तुसीं रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तू ही मददगार, मेरे रब तू ही रहम करने वाला। लो जी, कम तो फसया फसाया क्योंकि हाँ धिक धुक देता इको थां च ही, चलो जो अल्लाह सोने की मर्जी। लो जी, असीं पहला कढ़ने आ चैना रोज़ नूं। लो जी वेखो हजार तोड़ तक निकली है, असी चैना रोज़ के पौधे नूं वाटर प्लांट तैयार कर सकने हैं, तो तुहाडे सामने आ करके विखाई है, तो अहीं तो पहला भी की है, पर तुहानूं लीगली हकीकी जिहड़ी असल वीडियो है वह बना के विखाई है। पहला साडा चैना रोज़ का प्लांट तैयार होया, तो असी हुण इहनूं साफ पानी च पाने आ, क्योंकि इहदा अहां 40-45 दिन पानी नहीं बदलिया, तो पहले मरहले पहली वजह दोस्तों इहदा पानी बदलना भी नहीं चाहिए इन्नी जल्दी, ठीक है जी। क्यों नहीं बदलना चाहिए कि इहदी जड़ कूली होंदी है, नाजुक होंदी है, जो भी कोई प्लांट चलना उहदी पहला तो जड़ एवें जाला जिहा बनना ना, तो बार बार पानी बदलेंगे तो वह तो जनाब सारी खराब हो जाएगी, सारा ही निज़ाम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। असी इहदी जड़ नूं पानी चेंज नहीं किया, बदलिया नहीं, तो हुण अलहमदुलिल्लाह असी इहदा ना पानी बदल दिता जरा तुहानूं विखाउण वास्ते। लो जी वेखो हाँ जरा मामला थले कैसे खूबसूरत बने ने, ठीक है जी। ए जरा इहदियां चैना रोज़ प्लांट दियां, यानी कि इस पौधे दियां जरा उहदे विच असी टाणी कट के लाई, तो ये साड़ी तैयार हो गया, ठीक है। तुसीं अपने घर दे विच दरमियाने जे टैंपरेचर च तुसीं ये पौधा वाटर प्लांट तैयार कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अहीं हुण इहनू कढ़ने आ बाहर जी, ऐ लो इहदियां भी जड़ां निकल आईयां, वेखो इहदियां भी जड़ां निकल आईयां, अच्छे तरीके नाल तुहाडा कैमरामैन विखाउण दी कोशिश करदा। इहदा नाम सैमी फैकस है, ये भी साडा तैयार हो गया, ठीक है जी। इहदी जनाब ए वेखो जड़ां निकल आईयां ने माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह, ये एक दिन ही सारे मामलात कीते सन, ठीक है जी। हुण इहनू भी अहीं इहदे विच पा दिंदे आ, ठीक है।
थोड़ा इन फेर के क्योंकि जड़ मुतासर ना हो। लो जी कैसा सीन बनया जड़ा का, ठीक है जी। हुण असीं इह पौधा कढ़ने आ, इह जरा हसास हुंदा, इह जरा इस तरह ही हुंदा, इहदियां वी जड़ां इह वालियां निकलियां ने, इह जरा हसास हुंदा, इहदियां वी मुछियां दो निकल आईयां ते इह वी 45 दिन तों इहदे विच लाया सी, इह वी साए दे विच धरिया सी, ठीक है दोस्तों। इहनूं वी असीं थोड़ा जिहा इहदे विच कर दिंदे आ क्योंकि इह वी साडा पौधा तुहानूं पानी नूं चेंज होण कीता असीं 45 दिन बाद बदलिया, ठीक है जी। इह वाली इहदी जड़ ठीक है, ਇਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਤਲ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਿੱਲਣ ਜੁੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਭੁਰਕਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਰ 'ਚ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੁਮਾਇਆ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਰ ਛੜਿਆ ਹੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਡਰਾਮਾ ਡਰੂਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਣੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਣੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹਬਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਗੱਲ ਹਬਸ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਬਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਘਣੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਪੱਕਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪੌਦੇ, ਤਿੰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਖਦਾਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੈਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੈਬਦਗਸ ਘੰਟੀ ਨੁਮਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲੇ ਬਕੌਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਲੇ ਬਕੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਮੱਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਹੈਲਦੀ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਡਾ ਜਨਾਬ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਖ ਟੁੱਟ ਜੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, 15-20-25 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਨਡੋਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਬੇਲੀਓ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਓ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਗਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਮੀ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਨੇਕ ਬਖਤੀ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਸਹੀ ਗਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।